नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 19 जून की सुबह कुंभ राशि वाले जातकों का सबसे भाग्यशाली दिन रहेगा, क्योंकि भगवान शनिदेव आप लोगों का नसीब बदल देंगे और कुंभ राशि के लोगों के जीवन के कष्टों का अंत होने वाला है। दरअसल 19 जून शनिवार का दिन है, ऐसे में भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन के परेशानियां, समस्याएं और कष्टों से भी आपको छुटकारा मिलेंगे। आप लोगों को हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी की प्राप्ति होंगे, बड़े ही सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के जीवन के व्यापारिक व्यवसायिक स्थितियों में बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी आप लोगों को होने वाली है। आप लोगों के सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे, वहीं भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि भगवान शनिदेव किस प्रकार से आप लोगों पर कृपा दर्शाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन के कष्टों को दूर करने में इन लोगों की सहायता भी करने वाली है। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को तेजी से प्रगति करते हुए समाज में अपने अलग छवि, अलग पहचान बनाने के मौके भी प्राप्त होंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ की प्राप्ति होंगी। आपकी तरक्की को देखकर आप लोगों के जीवन में खुशियां आएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आर्थिक रूप से आप काफी ज्यादा सुरक्षित पे रहेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ आनंददायी समय व्यतीत कर सकते हैं। घर परिवार में खुशियों का अधिक से अधिक आगमन होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आप लोगों का मेल जोल बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में आपको अधिक धन दौलत की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के जीवन में खुशियों से भरे पल आने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान शनिदेव की कृपा से आज का दिन काफी अच्छा व्यतीत होंगे। आपके सभी काम में अपने मित्रों का, भाइयों की मदद से आप अपने काम काज को पूर्ण कर सकते हैं, परंतु आपको अपने व्यवहार में नम्रता और लचीलापन बनाए रखने की जरूरत होंगे। व्यापारियों को भी व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही उत्तम रहेंगे। परियोजनाओं की सफलताओं के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। जेवरों में निवेश करना भी फायदेमंद साबित होंगे और समृद्धि लायक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में और ऑफिस में आप अपने भविष्य के प्रति खुद को उत्साहित में महसूस कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ की प्राप्ति होंगे। विभिन्न तरीके से आप पैसे कमा पाने में सक्षम होंगे। आप लोगों को इस समय बड़ी खुशखबरी और बेहतरीन शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आपका नसीब बदलने वाला है। आपको भाग्य का साथ में हर समय हर मौके पर प्राप्त होंगे। मित्रों आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आपकी किस्मत चमकने वाली है। आमदनी में वृद्धि होने का कोई योग बन सकता है। आपका रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकते हैं। आपके भाग्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनका अंत हो सकता है। जमा पूंजी में वृद्धि होंगे। व्यापार व्यवसाय भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। आपके आय में इजाफे होंगे। आपके ऊपर भी महादेव की असीम कृपा रह सकती है। नए सौदे को करने के लिए आपका समय काफी अच्छा रह सकता है। निवेश से जुड़े मामलों को भी अच्छे ढंग से पूरा करने में समय आपके वृद्ध होंगे। आपके जीवन में इस समय शुक्र ग्रह वृष राशि में प्रवेश कर रहा है, जो आपके लिए कपड़ों गहनों की खरीदारी करवा सकता है। इसके अलावा आय में वृद्धि करवा सकता है। साथ ही साथ लोगों के जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आपको शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की हासिल होंगे। आपके कई वर्षों से अटके हुए कार्य भी तेजी से बन सकते हैं। आपके जीवन में कोई नया मोड़ आने से आपके जीवन में कोई प्रवेश कर सकता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तरक्की के साथ साथ आमदनी में बढ़ोतरी होंगे। आपको आपके जीवन में अनेक प्रकार के सभी परेशानी का अंत करने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे। आप व्यवसायिक मतभेदों को दूर कर सकते हैं। रोजगार व्यवसाय में आपकी प्रसन्नता रह सकते हैं। रोजगार के प्रयास सफल होंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यात्राओं की योजना भी बनाई जा सकती है। भूमि और भवन इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। नौकरी में भी आपका यश बढ़ सकता है। घर बाहर आपके पूछ परख रह सकती हैं। साझेदारी भी आपके सफल होंगे, परंतु जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य न करें। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को अध्ययन संबंधी परेशानियां भी दूर होंगे। आपको अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। आप किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में आप कोई नया कार्य कर सकोगे। अधिकारी वर्ग भी प्रसन्न होंगे। धन प्राप्ति का सुगम योग रह सकता है। आपके जीवन में आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत होंगे। यात्राओं में आपका सम्मान हो सकता है। गलतफहमी से विवाद हो सकते हैं।
ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखे, भावनाओं पर काबू रखे, व्यापार व्यवसाय भी आपका अच्छा चल सकता है। नौकरी में कार्यभार रह सकते हैं, धैर्य रखें, आपको थोड़े से प्रयासों से ही कार्य सिद्धि होंगे। सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप किसी बड़े काम कार्य को करने के लिए काफी उत्सुक हो सकते हैं और अपने जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी का आगमन कर सकते हैं। इस समय आपको अलग अलग क्षेत्रों से काफी नई और काफी खास जानकारी की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है तथा आपके बिगड़े हुए सारे के सारे कार्य भी अवश्य बनने वाले हैं। आपके जीवन में आपको इस समय विशेष बड़ी खुशखबरी और सुनहरे अवसरों की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है, जो आपके जीवन के व्यावसायिक मतभेदों को दूर करने के साथ साथ कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी का आगमन भी अवश्य करवाने वाले हैं, जो आपके लिए काफी शुभ होंगे। आपकी जिम्मेदारी में बढ़ोतरी करवाएंगे और कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होने के साथ साथ आपको सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य करने वाले हैं। आपके जीवन में आपको विशेष कुछ ऐसे लोगों के साथ संपर्क साधने के मौके मिल सकते हैं, जो आपके लिए काफी शुभ और काफी लाभकारी रह सकते हैं और किस्मत भी अचानक से चमकने वाली है। महादेव जी की कृपा से आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका पारिवारिक जीवन भी आनंद में और काफी खुशहाल रह सकता है। आपके सभी अधूरे कामकाज भी अवश्य पूरे होंगे। आप नए वाहन खरीदने के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने व्यापार व्यवसाय में अधिक मुनाफा मिल सकता है और कोई योजना भी हाथ लग सकती है। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। माता की सेहत में सुधार आने का योग रह सकता है। आपको खान पान पर अधिक रुचि देने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। अधिकारी भी आपके कामकाजों का पूरा सहयोग दे सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका अधिकार बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। आपको अपने मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। कामकाज के अच्छे नतीजे भी मिलने की वजह से आप काफी खुश और तनाव मुक्त रह सकते हैं। आपके जीवन में लगातार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। आपके सभी कष्टों का समापन होने वाला है और शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में लाभकारी परिणामों की प्राप्ति होंगी। आप अपने प्रेमिक की मदद से जीवन में काम काज को पूरा कर सकते हैं। बहस करने से बचने का प्रयास करें। लव लाइफ वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रह सकता है। आप अपने साथी के साथ समय बिताने का मौका पा सकोगे। लंबे समय से चल रही परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आपके जीवन में निरंतर परिवर्तन हो सकते हैं। इस समय बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आप लोगों के जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। आपका दिमाग भी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ जाएगा। लोगों की आमदनी के आय के स्रोतों में अवश्य वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी विशेष बड़ी खुशखबरी का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा अचानक से आप कुछ महत्वपूर्ण काम काज को पूरा कर सकते हैं। परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होंगे। आप अपने परिवार के साथ कहीं